मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू फाइन? वेरी गुड स्टूडेंट्स, टुडे इज़ आवर इंग्लिश क्लास. आज हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास है. पेज नंबर 32 हम कर रहे हैं एडजेक्टिव कंपैरिजंस. ओके, एडजेक्टिव्स होते हैं लाइक एज फास्ट, बिग, स्मॉल, ब्यूटीफुल, स्वीट, हैवी. ये जो वर्ड्स होते हैं ये होते हैं एडजेक्टिव्स. बट एडजेक्टिव कंपैरिजन में हम लोग वर्ड के साथ क्या लगाते हैं? ई आर, ठीक है, या फिर हम लगाते हैं लाइक एज अ मोर, मोर ब्यूटीफुल, लाइक दैट. ठीक है, तो आज हम इसी से रिलेटेड एक वर्कशीट करेंगे. आपकी बुक में है ये, पेज नंबर 32 पर. ओके, एन एरोप्लेन मूव्स डैश देन अ ट्रेन. एरोप्लेन ट्रेन से तेज दौड़ता है, भागता है. तो यहां पर क्या वर्ड आएगा? फास्ट का कंपैरेटिव डिग्री है फास्टर. अ बस इज बिगर देन अ कार. एक बस कार से बड़ी है. एन आंट इज स्मॉलर देन अ बटरफ्लाई. जो आंट है वो बटरफ्लाई से छोटी है. तो स्मॉल की कंपैरेटिव डिग्री स्मॉलर. पीकॉक, अ पीकॉक इज डैश देन अ क्रो. पीकॉक क्रो से ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर ब्यूटीफुल. ओके, हर वॉइस इज स्वीटर देन मोनिकाज वॉइस. एंड एलिफेंट इज हैवियर देन अ काउ. अब यहाँ पर देखिए, जो हैवियर की स्पेलिंग बनाई है वहाँ पर वाई को कट करके आई ई आर लगाया गया है. एच ई ए वी आई ई आर. ओके, अ रैबिट इज स्मॉलर देन अ डॉग. जून इज हॉटर देन मार्च. नाइट्स आर कूलर देन डेज. अ कैट इज बिगर देन अ माउस. क्या मतलब है इन सबका? एरोप्लेन ट्रेन से तेज भागता है. बस कार से बड़ी है. आंट मतलब कि चींटी. बटरफ्लाई मतलब तितली. चींटी तितली से छोटी है. पीकॉक मोर कौवे से ज़्यादा सुंदर है. उसकी आवाज़ मोनिका की आवाज़ से मीठी है. एलिफेंट हाथी गाय से बड़ा है, भारी है. रैबिट छोटा है किससे? डॉग से. जून गर्म है किससे? मार्च से. जून मार्च से गर्म है. रातें दिन में, जो दिन के कंपैरिजन में जो रात होती है वो ठंडी होती है. बिल्ली चूहे से बड़ी है, बिगर है. ओके बेटा, सेम एज. अब आपको यहाँ पर ये एक और ऑप्शन चेक करना है, कौन सा वाला आंसर आएगा. संजय इज डैश देन तनुज. क्या फैट या शॉर्ट? कैसा है, मोटा पतला है या छोटा बड़ा है? इज अ फैटर. तो यहाँ पर क्या वर्ड आया? फैटर. ओके, द बेबी इज डैश देन अ बॉय. बेबी कैसा होगा, लाइटर या हैवियर? बॉय के कंपेरिजन में बेबी तो लाइट होगा, उसका वेट कम होगा. द पेंसिल इज बिगर देन द पेन. अब पेन कैसा है, छोटा, और पेंसिल कैसी है, बड़ी. तो हमने इस फर्स्ट वर्ड को देखना है कि वो कैसा है. बेबी कैसा है, लाइट. पेंसिल कैसी है, बड़ी. अभी फादर कैसे होंगे ग्रैंडफादर से? फादर कैसे दिख रहे हैं? यंगर. यंगर मतलब कि जवान, और ओल्डर मतलब कि बूढ़े. ठीक है, द क्रिकेट बॉल. अब क्रिकेट बॉल ये वाली होती है ना, क्रिकेट बॉल. बास्केट बॉल से कैसी है? स्मॉलर. ओके, छोटी है. द जिराफ नेक. जिराफ की जो गर्दन है वो काउ की नेक से कैसी है? लंबी, लॉन्गर. द बाईसाइकिल इज चीपर देन द मोटरसाइकिल. बाईसाइकिल कैसी होती है? चीपर मतलब कि सस्ती, और कॉस्टलियर मतलब कि महंगी. ठीक है, द चाइल्ड इज हैप्पियर देन द मैन. बच्चा जो है वो आदमी के कंपैरिजन में खुश है. ठीक है, और सैडर मतलब कि उदास. द होर्स रन फास्टर देन द डोंकी. घोड़ा गधे के कंपैरिजन से, गधे से तेज दौड़ता है. द नोटबुक इज लाइटर देन द डिक्शनरी. जो आपकी नोटबुक है वो इस डिक्शनरी से हल्की है. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस बुक वर्क को अपनी बुक में फिल करना है और कंपैरेटिव एडजेक्टिव को अच्छे से समझना है. ओके बेटा, हैव अ नाइस डे. बाय बाय.